सर, मैं मेरा नाम मंजीत राणा है और मैं उतरों का हूँ। सर, जिस दिन ये भीषण बाढ़ आई थी 3 अगस्त 2012 को, उस दिन मैं अपने घर पे बैठा हुआ था। तो सर, मैंने देखा कि पानी बढ़ रहा है और फिर मैंने देखा सर कि मतलब मेरी सिस्टर लोग भी नीचे है, तो मैं उनको बचाने गया, लेकिन उससे पहले ही भेज चुके थे। फिर मेरे साथ दो दोस्त और भी थे, वो भी भेज गए। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से मतलब एक चीज़ को होल्ड करके वहाँ से मतलब भागने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वो टक्कर मेरे से फेस में टकर गया, जिस कारण से मेरी यहाँ पे चोट आ गई। तो तब से मतलब तब मुझे ये ट्रेनिंग का मालूम भी नहीं था और मुझे मतलब कुछ चीज़ आती भी नहीं थी कि आपदा से कैसे बचा जाए। तो मैं ये कोर्स करने आया, तो यहाँ मुझे इन्होंने इतना सिखा दिया है कि मतलब मैं अपनी जान और लोगों की जान कैसे बचाऊँ इस विभीषण उससे आपदा से, और किसी किसी चीज़ को मतलब कैसे हैंडल करूँ, मतलब बिन डर के किसी चीज़ का कैसे सामना करूँ। बाढ़ से, क्योंकि यहाँ पहले 2012 में भी बाढ़ आई थी, एक बादल खड़ा था, इसके यहाँ से एक गदरा बह गया था और इस पत्थर के नीचे से काफ़ी भूस्खलन हो गया था, मिट्टी खिसक गई थी, इसलिए इस पत्थर का ज़्यादातर यही पत्थर हमारे लिए रवाड़ा के लिए थोड़ा खतरा बना हुआ है। और थोड़ा बाढ़ इससे हमारे कई बार खेत बह चुके हैं और घर बहने की बहुत संभावना है नीचे साइड के। और किसी में भी उंगली मत डालना, होता क्या है कि आपने उसमें उंगली डाली और आपके पैर स्लाइड हुए, फिसल गए, तो आप वहाँ से 4 मीटर नीचे आएंगे या 2 मीटर, उंगली वहीं रहेगी बाकी नीचे, अगर उंगली वहीं छोड़नी है तो डालना, समझ गए ना। तो क्या करना है, बोलना आई एम क्लाइंबिंग सर, आई एम क्लाइंबिंग। हाँ ठीक है, हाथ हाथ ऊपर ऊपर सामने, हाँ गुड। उंगली मत डालना सीधे ऊपर, थोड़ा ऊपर होल्ड है वहाँ पे, सुन सुन, हाँ डाल ऊपर, हाँ सीधे ऊपर का, हाँ थोड़ा नीचे, बस दोनों हाथ वहीं पे खड़े हो जाओ, हो गए। यहाँ से बहुत सारा पेड़ है, पत्थर है बहुत ज्यादा, ये सारा नीचे आ रहा है और उसके बाद ये हमारा गांव है। क्या होगा, हम ले रहे करंट, अब सर भैया पत्थर कहाँ ले थे, खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो, अरे यार हिल रहा हो जमीन में थोड़ी लो, दोनों पाँव एक ही साथ रखना, दोनों पाँव खड़ा हो जा, हाँ ये
कंधे पे भी पैर रख सकता है जरूरत पड़े तो। हम लोग अगोड़ा गांव के निवासी हैं, जो रोड से 7 किलोमीटर दूर है और यहाँ पे भूस्खलन होते हैं और हम लोग बरसात के टाइम पे छानियों में चले जाते हैं लैंडस्लाइड के डर से। कुछ इस तरह से आप इस रोक का बना रहे हैं। ये जाता है वो हमने क्या किया, थोड़ा चौड़ा रखा है, बड़ा रखा है उसका साइज, रुका आता है थोड़ा सा छोटा हो गया। ये है बेसिक कार्रवाई जो आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। देन पहले हमने सर्च करा, वहाँ ढूंढा, यहाँ हमें मिल गया, चोट लगी हुई है पैर का, पैर पे चोट लगी हुई है, कहीं पे चोट लगी हुई है। अब आपने क्या करना है, उसको उठाना है, उठा के लाना है, ठीक है। ये आप बैक साइड का कमर पे चोट उसके ऊपर रख पैर। शाबाश। तो हमारा सबसे पहले ये था कि गांव में खतरे देखने थे और कई संसाधन जैसे कई चीज़ें थी, तो गाँव के ऊपर एक जहाँ से पानी आता है वहाँ से गांव के ऊपर, ये यहाँ कहते हैं माल का जाल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है और बहुत सारे यहाँ हम ऐसा मान लें जितना बड़ा ये इलाका है, कफनों का जितना भी इलाका है उतना सारा खिसक रहा है नीचे की ओर, तो जो कि गाँव के ऊपर है, और अगर ये खिसकता है तो पूरे गाँव को बाहर ले जा सकता है। और गलती से अगर जो ये पत्थर है अगर ये भी आ जाता है किसी की, अगर खिसक जाता है तो ये आधा या पूरा की पूरा गांव अपने साथ ले जा सकता है। कई और गांव के ऊपर कई ऐसे पत्थर हैं। शाम स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु।